Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. T20 क्रिकेट मतलब फटाफट क्रिकेट, जिसमें दर्शकों का सबसे ज्यादा मनोरंजन होता है, जहां बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री पार भेजने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इस फॉर्मेट में पहली बॉल से ही दर्शकों को छक्कों और चौकों की बारिश देखने को मिलती है, और उसी एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मंच है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL। T20 क्रिकेट ताबड़तोड़ रन बनाने का फॉर्मेट है, मगर IPL 2022 में कुछ ऐसे भी बैटर हैं जो छक्के लगाना भूल गए हैं। आज हम आपको ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अब तक इस सीजन एक भी छक्का नहीं जड़ा। इस लिस्ट में शामिल सभी नाम बल्लेबाजों के हैं या वो हैं जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और इन्होंने ऑक्शन में तो अच्छी खासी रकम भी बटोरी है, लेकिन अपनी टीम के लिए सिरदर्द बन गए हैं क्योंकि इनके बल्ले से ना ही बड़े रन आ रहे हैं और ना ही बड़े छक्के लग रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है गुजरात टाइटंस के मैथ्यू वेड का। अब कहने को तो ये आक्रामक बल्लेबाज हैं, लेकिन वेड ने अब तक कोई छक्का नहीं जड़ा। वेड ने इस साल गुजरात के लिए 5 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ 68 रन बनाए हैं। हैरानी की बात ये है कि वेड 63 बॉल खेल चुके हैं लेकिन उनके बल्ले से एक भी सिक्स नहीं निकला। ऑक्शन में वेड के लिए गुजरात ने 2,40,00,000 रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब शायद गुजरात मैनेजमेंट अपने इस फैसले पर पछता रही होगी। दूसरे नंबर पे हैं युवा भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान। IPL 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे सरफराज को एक वक्त पर काफी आक्रामक बल्लेबाज माना जाता था, लेकिन इस सीजन सरफराज की परफॉर्मेंस को देखकर शायद ही कोई टीम उन्हें T20 टीम में शामिल करे। सरफराज ने इस साल 4 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 49 रन बनाए हैं। सरफराज इस सीजन 44 गेंद खेल चुके हैं लेकिन उनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं आया, और अब वो दिल्ली की प्लेइंग 11 से भी बाहर हो चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम पंजाब किंग्स के जॉनी बेस्टो का है। सनराइजर्स के लिए IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले बेस्टो का बल्ला इस सीजन उनसे रूठा हुआ है। बेस्टो IPL 2022 में 42 गेंदे खेल चुके हैं लेकिन एक भी छक्का नहीं जड़ पाए। पंजाब के लिए जिस सोच के साथ बेस्टो को टीम में शामिल किया गया था उसमें उनको निराशा हाथ लगी है। बेस्टो के कुल रनों की बात करें तो 5 मैचों में उनके बल्ले से मात्र 47 रन ही निकले हैं। चौथे नंबर पे हैं गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर विजय शंकर। इस सीजन विजय ने हर किसी को निराश किया है और उनके टीम में होने पर लगातार सवाल भी उठने लगे। IPL 2022 में विजय ने 4 मैच खेले हैं और केवल 19 रन बनाए। इन 4 मैचों में विजय ने 35 गेंदों का सामना किया है लेकिन एक भी छक्का नहीं लगाया। 3,20,00,000 में बिके विजय शंकर का यही प्रदर्शन रहा तो शायद ही उन्हें अब इस सीजन प्लेइंग 11 में चांस मिले। इस लिस्ट में आखिरी नाम है ऑलराउंडर मिचेल मार्श का। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे मार्श के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने 6,50,00,000 रुपए खर्च किए, लेकिन मार्श के बल्ले से छक्के तो दूर चौके भी नहीं आए हैं। मार्श ने इस सीजन 24 गेंदे खेल ली है। आपको इन प्लेयर्स के बारे में जानकर कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि कोई और दूसरा खिलाड़ी है जो अभी तक अपनी टीमों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।